चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताजा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस क्या होता है, क्यों जरूरी होता है और ये इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये समझेंगे। तो देखो, जो मार्केट है ना, मार्केट में डेली बेसिस पर डेटा आते हैं, मंथली बेसिस पर डेटा आते हैं, क्वार्टरली बेसिस पर आते हैं, ईयरली बेसिस पर आते हैं। ये डेटा ना बेसिकली रिफ्लेक्शन है किसका, ग्रोथ का। हमारे देश में कितना प्रोग्रेस हो रहा है कैसे पता चलेगा, डेटा से। ठीक है, तो डेटा को स्टडी करके हम मार्केट की हेल्थ का, इकोनॉमी की हेल्थ का पता करते हैं। आप लोगों को कभी भी जब छोटी मोटी समस्या होती है तो डॉक्टर क्या बोलता है, ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। ब्लड टेस्ट करा के जो रिपोर्ट आती है उसमें पता चलता है कि किन चीज़ों की डेफिशिएंसी है और किन की एफिशिएंसी है, और डेफिशिएंसी को ठीक किया जाता है और फिर आप स्वस्थ हो जाते हैं, ऐसे ही होता है। तो मार्केट का डेटा क्या है, मार्केट की इन्फॉर्मेशन देने वाला कि मार्केट में क्या समस्याएँ हैं। जब भी मार्केट में समस्याएँ होंगी तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ नजर आएगा, स्टॉक मार्केट पे, कमोडिटी मार्केट पे, करेंसी मार्केट पे। और जब भी सभी चीज़ ठीक चलती आएंगी तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, इन सभी मार्केट पे। ठीक है, तो डेटा हमें बताता है कि मार्केट कितनी हेल्दी है या कितनी अनहेल्दी है। अनहेल्दी मार्केट का रिएक्शन डाउन साइड से आता है, हेल्दी का रिएक्शन अप साइड से आता है, सिंपल है। तो डेटा क्या होता है और क्यों एनालाइज किया जाता है, ये समझाने का मेरा उद्देश्य था। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी इकोनॉमीज के डेटा आते हैं पर हमें देखने हैं इंडियन डेटा और अमेरिकन डेटा और समहाउ एक दो चाइनीज डेटा, और हमें ये समझ में आ जाएगा कि दुनिया में किस तरह की डेटा आ रहे हैं जिससे हम अपना डिसीजन ले पाएं कि हमें क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। पर जो डेटा है ना, इसका इम्पैक्ट हम तीन तरह की मार्केट पर देखेंगे। सबसे पहला इक्विटी मार्केट पर, दूसरा कमोडिटी मार्केट पर, और तीसरा करेंसी मार्केट पर। तो जो डेटा होता है ना उसका इन तीन तरह की मार्केट पर इम्पैक्ट आता है। ठीक है, अब हम इम्पॉर्टेंट डेटा की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, जब डेटा आता है तो सबसे पहला इम्पैक्ट उसका पड़ता है इक्विटी मार्केट पर। तो जो डेटा ना इक्विटी के लिए अच्छा होता है, करेंसी के लिए भी वो अच्छा होता है, पर कमोडिटीज़ में ना कई बार गोल्ड और सिल्वर को हम मानते हैं सेफ हेवन एसेट क्लास। तो जब भी इकोनॉमी में डेटा अच्छे नहीं आते हैं तो गोल्ड सिल्वर की डिमांड बढ़ जाती है, जिसे बुलियंस भी कहा जाता है। तो जब भी डेटा बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं उसका नेगेटिव रिएक्शन आता है गोल्ड सिल्वर पर करेंसी और इक्विटी पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो कहीं पर वॉर हो गया, तो वॉर किसी के लिए अच्छा तो है नहीं, तो वॉर के केस में इक्विटी भी गिरेगी करेंसी भी गिरेगा, पर चलेगा क्या, कमोडिटी स्पेशली गोल्ड। ठीक है, मान लो महंगाई के डेटा आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं, तो क्या चल जाएगा, गोल्ड चलेगा, क्योंकि गोल्ड को हम क्या मानते हैं, इन्फ्लेशन अगेंस्ट हेज भी मानते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? तो जब भी हालात बुरे होते हैं ना, कमोडिटी में स्पेशली गोल्ड जो है ऊपर जाता है, और जब हालात अच्छे होते चले जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट नेगेटिव आता है, यानी उसमें प्रॉफिट बुकिंग कब आएगी, जब डेटा अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे डेटा। तो सबसे पहला डेटा जो है ना उसका नाम है रिटेल सेल्स। ये रिटेल सेल्स का डेटा आता है अमेरिका में। ठीक है, अभी हम यूएसए के डेटा देखेंगे। ठीक है, सारे डेटा जो भी अभी मैं लिखूंगा सारे यूएसए के हैं। तो रिटेल सेल्स क्या होता है, रिटेल लेवल पर जो खरीदारी आप कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं रिटेल सेल्स। मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोगों का अच्छा बिजनेस चल रहा है और अच्छा आपका जॉब चल रही है जहाँ पे आपको किसी तरह से कोई कंसर्न नहीं है सैलरी को लेकर, पैसे को लेकर, तो आप खर्चा ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे। तो जब आप खरीदारी करेंगे तो क्या बढ़ेगी, रिटेल लेवल पे सेल्स बढ़ेगी। तो रिटेल सेल्स का जो नंबर है अगर वो बढ़कर आ रहा है तो ये अच्छा माना जाएगा, गिरकर आ रहा है तो बुरा माना जाएगा। तो जब ये बढ़कर आता है तो इसे अच्छा माना जाता है, और यही अच्छा जब डेटा आता है तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कहाँ देखा जाता है, इक्विटी मार्केट पर, और नेगेटिव कहाँ देखा जाएगा, गोल्ड सिल्वर पर। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव आना यानी बढ़कर आना एक पॉजिटिव रिएक्शन देता है। दूसरा जो डेटा है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। अब ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का नंबर क्या होता है समझ लो, अगर कंज्यूमर जो मार्केट में खरीदारी कर रहा है वो खरीदने के लिए कितना कॉन्फिडेंट है। एग्जांपल के तौर पर आपके पास 1,00,000 रुपए हैं और मैं बोलता हूँ यार 1,00,000 रुपए आप खर्च कर दो, तो आप बोलोगे कि सर 1,00,000 नहीं है, 50,000 खर्च करवा लो, 50,000 ना हमें सेफ्टी के लिए रखने हैं,
पहला केस। दूसरा केस मैं बोलता हूँ यार 1 लाख खर्च कर दो, आप बोलते हो सर 1 लाख नहीं 90,000 खर्च करवा लो, 10,000 सेफ्टी के लिए रखो। दोनों केस में ज़्यादा कॉन्फिडेंस किस में था, केस वन में या केस टू में? केस टू में। तो केस टू में आप अपनी स्पेंडिंग को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, तो इसी को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बोला जाता है। क्यों कॉन्फिडेंट है? क्योंकि आपको पता अगले महीने आपकी सैलरी पूरे टाइम पे आएगी, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, कोई कमाई की दिक्कतें नहीं है, तो आपका सब कुछ अच्छा चलने की वजह से आप खर्चा करने में क्या है, कॉन्फिडेंट हैं। तो जब भी ये चीज़ें होती हैं तो इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाएगा। तो इकोनॉमी के लिए कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का नंबर बढ़ के आ रहा है तो अच्छा माना जाएगा। और ये किसके लिए बुरा माना जाएगा? गोल्ड सिल्वर के लिए। अगर ये अच्छा आ रहा है तो गोल्ड सिल्वर नीचे जाएंगे। तो ये डेटा आपको देखने होते हैं शाम को, ठीक है? गोल्ड और सिल्वर के इम्पैक्ट आते हैं, इन्हीं से आते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, इन्फ्लेशन का पता चलता है इससे। आपने देखा पिछले 2 सालों से ना दुनिया के रिजर्व बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट को हाइक किया। वजह थी जो वॉर की वजह से आपने देखा कि ग्लोबली क्रूड ऑयल के नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़े, जिससे दुनिया में महंगाई बढ़ी, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई क्योंकि वॉर से आपने देखा कि गेहूं के वीट के प्राइसेस इंक्रीज हो गए। तो महंगाई बढ़ी और महंगाई बढ़ने के लिए जो वजह थी वो बहुत सारी थी, पर इसे कंट्रोल करने के लिए दुनिया के रिजर्व बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से दुनिया के मार्केट नीचे आ गए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मैंने आपको कई बार बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का बढ़ना बुरा माना जाता है मार्केट के लिए और मार्केट उससे करेक्ट भी करती है। तो अब समस्या ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह क्या होती है, CPI का बढ़ना। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जब भी बढ़ जाएगा ये अच्छा नहीं माना जाएगा। मार्केट ये सोचने लगेगी कहीं अगली बार गवर्नर साहब इंटरेस्ट रेट ना बढ़ा दें, और जब जब ये बढ़कर आएगा मार्केट के लिए ये नेगेटिव रिएक्शन देने वाला होगा। तो इसका गिरना अच्छा माना जाता है, और जब ये नीचे आएगा तो क्या पॉसिबिलिटी बढ़ेगी इंटरेस्ट रेट कट करने की, और कट करेगा इंटरेस्ट रेट तो मार्केट ऊपर जाएगा ना, ये अच्छा माना जाता है। तो CPI का गिरना अच्छा माना जाएगा। ये गिरेगा तो क्या होगा, ठीक है, गोल्ड सिल्वर नीचे आएंगे, ध्यान रखना मंथली बेसिस पर। तो अगला नंबर है अनएम्प्लॉयमेंट का। अभी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा एक डेटा होता है, और कहते हैं ना इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि जो बेरोजगारी होती है ना वो सभी आर्थिक समस्याओं की जड़ होती है, ठीक है, रूट कॉज होती है। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट तो कहीं भी अच्छा नहीं माना जाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या होगा, पैसे नहीं आएंगे लोगों पे, खर्चा नहीं कर पाएंगे, खर्चा नहीं करेंगे तो इकोनॉमी कैसे चलेगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम होते हैं ना जो अमेरिका के अंदर, उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस क्लेम किया जाता है, यानी अमेरिकन गवर्नमेंट बेरोजगारी भत्ता देती है। तो जब ये बढ़ते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता है इकोनॉमी के एस्पेक्ट से, तो इसका गिरना अच्छा माना जाएगा। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम गिर रहे हैं तो ये इकोनॉमी के लिए बेहतर माना जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। तो न्यू होम सेल्स नंबर, जब भी अमेरिका में पहली बार कोई नया घर खरीदा जाता है तो उसको बोलते हैं न्यू होम सेल्स। देखो जब भी एक घर बिकता है ना तो घर नहीं बिकता है, एसोसिएटेड बहुत सारी इंडस्ट्री को काम मिलता है। तो घर का, नए घर की बिक्री होना ये बहुत अच्छा माना जाता है, और जितना ये बढ़कर आएगा नंबर उतना इकोनॉमी के लिए बेहतर माना जाएगा। तो जब भी ये बढ़कर आएगा इक्विटी मार्केट के लिए बहुत शानदार रहता है, ठीक है, तो इसका बढ़ना एक पॉजिटिव डायरेक्शन देता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट डेटा है जो US के मार्केट में आपको देखने हैं। अब चाइना का डेटा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अब चाइना का एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको देखना है, और ये डेटा है चाइना का PMI नंबर, परचेज मैनेजर इंडेक्स कहते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो परचेज मैनेजर इंडेक्स है ना, ये एक ऐसा डेटा होता है जो आपको बताता है कि इकोनॉमी में जो 400 बड़े मैनेजर्स हैं जो खरीदारी कर रहे हैं उनको सर्वे किया जाता है, और सर्वे के बाद ये बताया जाता है कि उनकी खरीदारी कैसी हो रही है, डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है, इन्वेंट्री कैसी है, ये सारी चीज़ों को बेसिस पर क्या किया जाता है, ये डेटा रिलीज़ किया जाता है। अब ये डेटा ना इम्पॉर्टेंट है बेस मेटल के लिए, ध्यान रखना, ये डेटा बेस मेटल और मेटल शेयर, मेटल के जो शेयर होते हैं ना, सेल, टाटा स्टील, इस तरह से, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है डेटा। अब यहाँ पर पासिंग परसेंटेज कितनी चाहिए होती है एक इंसान को पास होने के लिए, 33%, और यहाँ पर भी एक परसेंटेज है जिससे पता चलेगा ये डेटा कैसा है, ठीक है। देखो इस डेटा को हम देखते हैं लेस देन 50 और ग्रेटर देन 50, तो अगर लेस देन 50 आ रहा है तो ये इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन को बताता है, यानी कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, और अगर ग्रेटर देन 50 आता है तो बेहतर माना जाता है। अब बेहतर कितना माना जाएगा, 50 से ऊपर होना चाहिए और पिछली बार से ज़्यादा होना चाहिए। पिछली बार था 52, इस बार है 52.50, तो बढ़कर आया है तो अच्छा माना जाएगा। तो इंक्रीज जब ये होता है डेटा तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है किस पर,
इकोनॉमी पर तो डालता ही है, बेस मेटल के शेयर्स पर भी और प्राइस और बेस मेटल कमोडिटीज़ पर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, ठीक है। और ये केवल चाइना का आपको देखना होता है, बाकी के जो होते हैं उनके इतने इम्पैक्ट नहीं होते, चाइना के पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसका एक यूज़ बताता हूँ तुमको। मान लो तुम कॉपर ऑपर में काम करते हो, कॉपर निकल जिंक एल्यूमिनियम इन सब में काम करते हो, तो जब भी ये डेटा आएगा ना एक बड़ी मूवमेंट के लिए तैयार हो जाना, देखो ये पहले से पता चल जाएगा। तुमको बेस मेटल के शेयर्स खरीदने में इंटरेस्ट है, तो जब जब ये बेस मेटल का ये डेटा आएगा तो बेस मेटल के शेयर्स में एक बड़ी मूवमेंट आएगी, उसके लिए तुम पहले से तैयारी कर सकते हो ये डेटा देखकर, ठीक है। आ रहा सन में, ठीक है, मिटा दूँ। अब इंडियन मार्केट के डेटा की बात करते हैं। तो इंडिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है वो है GDP, और GDP तो सबको पता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप सबको पता है क्या होता है। तो देखो GDP का नंबर ना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझाता हूँ। हमारे देश में जितना हमारे देश में ही क्यों, दुनिया में जितना ज़्यादा GDP किसी कंट्री का बढ़ेगा वो देश उतना ही विकास करेगा, ये प्रूवन है। अब ये समझो कि GDP टेक्निकली कैसे कंट्रीब्यूट करता है। देखो हमारे इकोनॉमी में, हमारे यहाँ पे मैंने आपको बताया है 7000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है ना, सही है या गलत है? लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। अब ये जो व्यापार करती हैं उनसे GDP जनरेट होता है ना, तो अब जो GDP है वो क्या ये 7000 कंपनी मिलकर जनरेट कर रही हैं? तो जवाब है नहीं भाई, जो अनऑर्गेनाइज कंपनी है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी तो व्यापार कर रही हैं, उनसे भी GDP जनरेट हो रहा है। पर हम ये मानते हैं कि जो लिस्टेड कंपनियां हैं ना वो हमारी इकोनॉमी में 70% ही अप्रॉक्स फिगर है। 70% का GDP कहां से आ रहा है? लिस्टेड कंपनी से, ठीक है। और GDP बढ़ के आ रहा है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जब GDP बढ़ेगा तो इन 70 कंपनीज की इनकम बढ़ गई, ग्रोथ बढ़ गई? तो जब भी GDP बढ़ता है क्यों स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है? इसलिए क्योंकि स्टॉक मार्केट में GDP कंट्रीब्यूशन इन कंपनीज का 70% है, ये अप्रॉक्स फिगर है, 2-4% ऊपर नीचे हो सकता है। तो अब ये अगर इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन इन्हीं कंपनी से आ रहा है तो ये नंबर अच्छा आने के बाद क्या होगा? स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है। तो इसीलिए GDP जब भी बढ़कर आएगा, ये क्वार्टरली आता है ध्यान रखना, 3 महीने में आता है, जब भी ये अच्छा आता है तो ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है। दूसरा जो हमारे यहाँ नंबर आता है उसे हम कहते हैं IIP नंबर, यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, बिजली का प्रोडक्शन होता है, खनिज चीज़ों का, जो माइंस का प्रोडक्शन होता है, उनको मिलाकर ये डेटा तैयार किया जाता है। अब ये बता रहा है कि जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें वो कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही हैं, ठीक है, उनकी डिमांड कैसी है, उनकी सप्लाई कैसी है। तो IIP का बढ़ना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है। तो IIP इंडियन मार्केट के डेटा को हम देखेंगे, ठीक है, ये मंथली बेसिस पर आता है। इसके बाद हमारा जो डेटा आता है वो आता है इन्फ्लेशन का, जिसे आप CPI बोल सकते हैं। तो सेम, अगर ये बढ़ के आएगा तो अच्छा नहीं है, गिर के आएगा तो अच्छा है। पर ध्यान रखना, इसे देखने के लिए ना आपको RBI का बेंचमार्क देखना पड़ेगा। RBI का जो भी बेंचमार्क होता है, लेट से वो 6.5% है मान लेते हैं, तो जब भी 6.5% के ऊपर महंगाई जाएगी तब आपको वरी होने की ज़रूरत है, परेशान होने की ज़रूरत है। जब तक इसके नीचे रहेगी कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि RBI का बेंचमार्क है। हमेशा ध्यान रखना, इन्फ्लेशन कितनी बढ़े तो बुरी मानी जाती है RBI के बेंचमार्क के बियॉन्ड, ठीक है। और ये गिर के अगर RBI ने बोला 5% का हमारा बेंचमार्क है, तो जब भी 5% के ऊपर जाएगी RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, ध्यान रखना। तो RBI कब इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, कब आपको परेशान होने की ज़रूरत है, वो RBI के बेंचमार्क से पता चलता है। ये मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब अगला जो इंपॉर्टेंट नंबर है वो है ट्रेड डेफिसिट। देखो हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है कि हमारा जब एक्सपोर्ट बढ़ जाता है और इम्पोर्ट कम हो जाता है तो हमारी करेंसी स्ट्रांग हो जाती है। तो ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कितना हमने इम्पोर्ट किया उसके अगेंस्ट में कितना एक्सपोर्ट किया। अगर हमने 100 रुपये का मान लो इम्पोर्ट किया और एक्सपोर्ट कर दिया 50 रुपये का, तो डेफिसिट 50 रुपये है। तो डेफिसिट कभी भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ज़्यादा डॉलर पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। ज़्यादा डॉलर पेमेंट करने से क्या होगा, आपकी करेंसी वीक होगी, शाबाश, और उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा। तो ट्रेड डेफिसिट का नंबर जब भी नैरो आता है, जब भी ये गिर के आएगा ना, तब अच्छा माना जाएगा। यानी डेफिसिट जितना कम होगा उतना अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। तो ये दोनों डेटा जो मैंने आपको बताया अभी, अमेरिका के, इंडिया के, यही डेटा इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। इसके बाद तो इवेंट होती है, जैसे RBI मीट है, ठीक है, और फेडरल बैंक की मीटिंग होती है, वो उसी में आ जाएगी। आपको ये समझना है कि इन सभी डेटा को आप कहाँ देख सकते हो, forexfactory.com। तो forexfactory में
आपको ये डेटा देखना होता है, ठीक है। वहाँ पे कैलेंडर में जाना, कैलेंडर में देख के आपको पता चल जाएगा। मैं दिखा भी देता हूँ, डोंट वरी, मैं ये दिखाता हूँ आपको। देखो फॉरेक्स फैक्ट्री कैलेंडर मैंने यहाँ पे टाइप किया, आ गया। यहाँ पे चले जाओ फॉरेक्स कैलेंडर पे, ये देखो ये आ गया। अब यहाँ पे आप आने वाले टाइम के डेटा भी देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे देखो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ये आ गया यूएसए का डेटा, तो जब ये आएगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आप देख लो, ये आ चुका है इनफैक्ट 25 तारीख को, ठीक है। अब आने वाला डेटा आप देख सकते हो जब भी आएगा, ये देखो अनएम्प्लॉयमेंट का क्लेम आएगा। तो इससे आप देख लेना, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा मैंने आपको बताए हैं वो यहाँ से पता चल जाएंगे, forexfactory.com, ठीक है। मेरा नाम है अतुल, मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588-68475 और विजिट www.onlinenifm.com।